सो हे गाइस, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। सो गाइस, आज के थोड़े में बात करने वाले हैं कि अगर आप फोन पे एप्लीकेशन यूज करते हैं, आप कहीं पे पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं, गाइस आप मनी ट्रांसफर कर रहे हैं, अगर आप किस तरीके से प्रॉब्लम करके आ रहा है, पेमेंट फेल, योर बैंक हैज ब्लॉक्ड और फ्रोजन योर अकाउंट, प्लीज कॉन्टेक्ट योर बैंक फार मोर इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर रिट्राई और व्यू डिटेल डन का ऑप्शन आ रहा है। तो गाइस, अगर आपके प्रॉब्लम आ रहे हैं तो अपनी इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे करेंगे, फिक्स कैसे करेंगे और इसका क्या सोलूशन है, तो गाइस आज की इस वीडियो में आपको सब कुछ डिटेल में स्टेप बाय स्टेप करके बताने वाले हैं आपको क्या करना पड़ेगा कि आपके जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाए। तो चलिए गाइस, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरे नए नए वीडियो की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए गाइस, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि आप अपनी इस प्रॉब्लम को फिक्स कैसे करेंगे। तो गाइस, अगर आप एक फोन पे यूजर्स हैं, अगर आपका एक प्रॉब्लम आ रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा। गाइस, हम फोन पे कस्टमर केयर से कई बार बात किए इस प्रॉब्लम को लेकर के, लेकिन गाइस फोन पे कस्टमर वाले इस प्रॉब्लम का सलूशन अभी तक हमको नहीं दिए हैं, इसलिए गाइस हम आपको बता रहे हैं कि आप इस प्रॉब्लम को कैसे ठीक करेंगे। तो गाइस, वहां पे लिख रहा है कॉन्टेक्ट योर बैंक, तो आपको क्या करना पड़ेगा गाइस, फोन पे कस्टमर केयर वाले आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेंगे। आपको क्या करना पड़ेगा, आपका जो भी बैंक हो, चाहे आपका SBI हो, चाहे आपका कैनरा हो, चाहे आपका PNB हो, चाहे आपका बैंक ऑफ बड़ौदा हो, चाहे आपका इंडियन बैंक हो, आपको क्या करना पड़ेगा गाइस, वहां पे लिख रहा है कॉन्टेक्ट योर बैंक मोर इन्फॉर्मेशन। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपनी इस प्रॉब्लम का स्क्रीनशॉट लेना है और आपको अपने बैंक पे जाना पड़ेगा। अपने बैंक पे जाने के बाद में क्या करना पड़ेगा, आपका जो प्रॉब्लम आ रहा है इस प्रॉब्लम को आप एक स्क्रीनशॉट ले लें। स्क्रीनशॉट लेने के बाद में आपका जहां पे बैंक अकाउंट है अपने बैंक पे जाएं। अपने बैंक पे जाने के बाद में गाइस, अपने बैंक पे जाने के बाद में गाइस आपको अपने बैंक मैनेजर को बोलना है कि मेरा यह प्रॉब्लम आ रहा है, जब अपने फ़ोन पे एप्लीकेशन से पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं या आप अपना रिचार्ज कर रहे हैं तो मेरा बैंक अकाउंट ब्लॉक लिख करके आ रहा है, जब अपनी UPI से हम पेमेंट कर रहे हैं। तो गाइस आपका बैंक मैनेजर आपकी इस प्रॉब्लम को देखेगा, अगर वहाँ पर कोई प्रॉब्लम होगा तो वो तुरंत वहीं पर सॉल्व कर देगा। जैसी बात है गाइस, ये जो प्रॉब्लम है आपके बैंक की तरफ से आता है, इसलिए गाइस फ़ोन पे कस्टमर केयर वाले आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो गाइस हम कई बार फोन पे कस्टमर केयर से बात की इस प्रॉब्लम के बारे में, क्योंकि गाइस हम इस टॉपिक पे एक वीडियो बना भी चुके हैं कि अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे। उस भी वीडियो में हम बताएं कि आपको अपने बैंक पे जाना पड़ेगा, इसका कोई भी सोलूशन नहीं है। अगर गाइस इसका कोई भी सोलूशन होता तो हम आपको तुरंत बता देते हैं। और किसी रियर केस में ऐसा भी होता है कि आपका जो प्रॉब्लम आ रहा है मैक्सिमम 1 से 2 वीक रहता है, उसके बाद में आपका जो प्रॉब्लम है ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाता है। अगर आपके जो प्रॉब्लम ऑटोमेटिक सॉल्व नहीं हो रहा है तो आपको अपने बैंक पे जाना पड़ेगा, अपने बैंक मैनेजर से आपसे बात कर रहे हैं, तब आपका बैंक मैनेजर आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। अगर गाइस आपका बैंक मैनेजर भी आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा गाइस, आपका बैंक मैनेजर आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर रहा है तो अब आपको क्या करना पड़ेगा गाइस, आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, आपको गूगल क्रोम को ओपन करना है। गूगल क्रोम को ओपन करने के बाद में, चाहे गाइस आप गूगल क्रोम को ओपन करें, चाहे गाइस आपके मोबाइल में गूगल होगा तो आपको अपने गूगल को ओपन करना है। ओपन करने के बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, आपका जो भी बैंक होगा, जैसे आपका SBI है तो आपको लिखना है SBI कस्टमर केयर नंबर और आपको सिंपली SBI कस्टमर केयर से आप डायरेक्ट बात करेंगे। आपको डायरेक्ट बात करना पड़ेगा और आपको वहां पे कंप्लेंट करना पड़ेगा कि मेरा ये बैंक अकाउंट है, जब अपने फोन पे UPI पेमेंट कर रहे हैं तो मेरा बैंक अकाउंट यहां पे ब्लॉक लिख करके आ रहा है, मेरे अकाउंट क्यों ब्लॉक लिख करके आ रहा है। तो गाइस विदिन 24 घंटे या 48 घंटे के अंदर आपकी इस प्रॉब्लम को कस्टमर केयर वाले, मतलब SBI कस्टमर केयर वाले, आपका जो भी बैंक होगा, बैंक कस्टमर केयर वाले आपकी इस प्रॉब्लम को फिक्स कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। अगर आप अपने बैंक पे जाते हैं, आपका बैंक मैनेजर आपका एक काम नहीं करता है तो आपको अपने बैंक कस्टमर केयर से आपको बात करना पड़ेगा। फोन पे कस्टमर केयर वाले आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि गाइस हम कई बार कोशिश कर चुके हैं, उन लोगों के पास कोई भी सोल्यूशन नहीं है, केवल आपके बैंक पे सोल्यूशन मिला और आपके बैंक कस्टमर केयर वाले आपकी सोल्यूशन देंगे तभी आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा। क्योंकि गाइस मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं, बहुत सारे यूजर्स ऐसे हैं जो कि मेरे पास रोज कमेंट करते हैं कि मेरा अकाउंट ब्लॉक हो चुका है, मेरा अकाउंट फ्रीज हो चुका है, इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करें। क्योंकि गाइस हम भी एक मजबूर हैं, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, नहीं तो गाइस हम आपको एक प्रॉपरली वीडियो बना करके आपको दे देते हैं कि आप इस प्रॉब्लम को इस तरीके से विद इन 2 मिनट में आप सॉल्व कर सकते हैं। तो गाइस मैं फेक वीडियोस नहीं बना रहा हूं कि आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो, तो अगर जो रियल है गाइस हम आपको रियल बता रहे हैं। तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो बड़ा पसंद आई हो तो प्लीज़ दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरे नए नए वीडियो की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।